हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉमेड ट्रिप बाबा। आज दोस्तों मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहूँगा जो नॉर्मली किसी के साथ होता नहीं है, लेकिन बाय चांस भाई मिस्टेक से हो जाता है। इसके अंदर ये बताना चाहूँगा कि जिस भाई के एक सिम पे डबल रिचार्ज हो जाता है तो उसको डरने की बात नहीं है। मैं उसका सॉल्यूशन बताऊँगा। तो ये सॉल्यूशन ये है कि 2022 के अंदर एक एडवाइजरी निकली थी वोडाफोन आइडिया जियो एयरटेल, इन्होंने ये एडवाइजरी निकाली कि किसी भी बंदे का बाई चांस मिस्टेक से एक ही सिम पे डबल रिचार्ज हो जाता है तो वो टेंशन लेने की बात नहीं है। वो क्या होता है कि मान लो किसी ने अनलिमिटेड पैक लिया है 399 या 56 डेज का, तो इसमें यह रहता है कि मान लो आपने एक अपने दोस्त को बोल दिया कि भाई मेरा रिचार्ज कर देना, और फिर थोड़ी देर बाद सोचते हो कि दोस्त करेगा नहीं करेगा, मैं खुद ही कर लेता हूँ। आपने वाईफाई जोड़ के रिचार्ज कर लिया और थोड़ी देर बाद दोस्त का भी मैसेज आया कि मैंने भी रिचार्ज कर दिया, तो फिर उसको बोलते अरे यार मेरा डबल रिचार्ज हो गया, तो फिर आप टेंशन में आ जाते हो। टेंशन नहीं लेने का सॉल्यूशन भाई के पास है। तो इसके अंदर यह है कि पॉलिसी 2022 के अंदर जो पॉलिसी आई थी उसमें यह लिखा गया है कि आपने जो रिचार्ज किया है अनलिमिटेड एक महीने का, तो अगर बाई मिस्टेक डबल रिचार्ज हो गया उस सिम पे तो वो 28+28 56 डेज का हो जाएगा, आपका ऑटोमेटिक एक्सटेंड हो जाएगा। उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और ये पॉलिसी ओनली जियो एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया में है, बीएसएनएल के अंदर ये फैसिलिटी नहीं है। बीएसएनएल के अंदर अगर आपने ऐसा कुछ करवा दिया है तो वो आपके वेस्टेज है, वो नेक्स्ट मंथ के लिए एक्सटेंड नहीं होगा, वो सारे रुपए आपके वेस्ट गए। और कई बंदा ये सोचते हैं कि मैं रिफ़ंड करवा लूँगा कंपनी को कॉल करके, ऐसी कुछ नहीं है। इसीलिए 2022 के अंदर एक पॉलिसी आया है, पहले कॉल करते थे कि मेरा रिफ़ंड कर दो, इसलिए उन्होंने सब कुछ सोच समझ के पॉलिसी निकाला है कि अगर बाई मिस्टेक डबल रिचार्ज हो जाता है तो उसका रिफ़ंड का कोई भी ऑप्शन नहीं है, या ऑटोमेटिक आपका अनलिमिटेड नेक्स्ट मंथ को एक्सटेंड हो जाएगा। अगर 28 डेज का है तो नेक्स्ट 28 डेज ऑटोमेटिक एक्सटेंड हो जाएगा, इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर टू योर फ्रेंड्स, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।